अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना विद नसराना। आज मैंने बनाया है मटन भुना कीमा, जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है। ये झटपट से बन जाता है, इसमें कम ही सामान की जरूरत पड़ती है। आप इसको बीफ के साथ में भी बना सकते हैं और चिकन के साथ में भी बना सकते हैं। मैंने इसको मटन कीमे से बनाया है, आओ देखें इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं मटन भुना कीमा। उसके लिए मैंने 250 ग्राम मटन का कीमा ले लिया, जो कि मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसके बाद में इसमें जो मसाले जाएंगे, वो जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा से भी कम चम्मच मतलब एक चुटकी भर हल्दी है, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ले ली है, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने नमक लिया है, और आधा छोटे चम्मच से कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। ये तो हमारे मसाले हो गए। इसके साथ साथ जो मसाले हैं हमारे, इसके साथ में एक चम्मच जाएगा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो खड़े मसालों में हमारे पास जाएगा वो जाएगा यहाँ पे बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटा तेजपात का पत्ता, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसमें और सब्जी जाएगी वो जाएगा एक टमाटर। ये मैंने छोटी छोटी प्याज थी मेरे पास में, इसलिए मैंने ये 4 छोटी प्याज ले ली है, और 2 ये मोटी हरी मिर्च ले ली है। अब हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है। ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल रख दिया है। ऑयल हमेशा अपने हिसाब से डालें, आपके यहाँ पे कितना खाया जाता है उस हिसाब से आपको ऑयल डालना है। मेरे यहाँ पे ऑयल मीडियम खाया जाता है, तो मैंने इसलिए जो है 1 चम्मच ऑयल डाला है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये खड़े मसाले डाल देंगे। ये मैं मटन का कीमा बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, और चाहें तो आपका चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। ठीक है, चिकन का कीमा जो है वो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, छोटी छोटी बोटे काट के आप मिक्सर में आप पीस ले तो कीमा आपका तैयार हो जाएगा। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, अपने घर में जरूर ट्राई करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मेरे मसाले देखो ये चटकने शुरू हो गए हैं, अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पे कीमा डाल दूंगी। ठीक है, कीमे को डाल के हम कीमे को भून लेंगे पहले। आप पूरी वीडियो आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से तैयार किया है। ठीक है, मेरी वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आप लोगों को पता चले, और ये बहुत टेस्टी बनता है कीमा भुना मसाला। ठीक है, ये भुना कीमा भी आप इसको बोल सकते हैं, कीमा भुना मसाला भी बोल सकते हैं, ये भुना कीमा है। ये देखिए, ये कीमे को इसमें डाल दिया, कीमे को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था, और एकदम बारीक कीमा है, आप चाहो तो थोड़ा मोटा भी ले सकते हो। ये मशीन का कीमा है, आप इसको अगर देखेंगे तो आप इसको पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मैंने यहाँ पे कीमा डाल दिया, कीमे के अंदर जो मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1 चम्मच, अब मैं इसको डालती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसको भून लेंगे। देखो तो कीमे ने अपने जो है कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अदरक लहसुन को इसमें डाल दिया है, अब इसको पकने देंगे, थोड़े से भूनने देंगे, मतलब आपस में मिक्स होके। इसमें पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमने अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने प्याज टमाटर अपना चॉप किया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में चॉप कर लेना, अदरवाइज आप बारीक बारीक काट लेना, काट के आप इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ पकने देंगे, तो मैंने सारा इसमें डाल दिया। पराठों के साथ खाइए, क्या बढ़िया लगता है, ये बनकर बहुत टेस्ट करता है। देखिए इसको मैं डाल दिया, अब मैं क्या करूँगा, कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने दूंगी, ताकि मेरे प्याज टमाटर हरी मिर्च जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक पकते हुए हो गए हैं, ये देखिए प्याज टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो गए होंगे, और देखो ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें जो मसाले हैं हमारे वो ऐड कर देते हैं। आप लोगों को अगर कोई रेसिपी चाहिए तो आप उसको भी मेरे कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वही रेसिपी लेकर आऊंगी। ठीक है, ये देखिए मसाले
मसाला डाल के इसको भून लेंगे। इसे पानी डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको जब तक भूनेंगे जब तक मसाला हमारा अच्छे से पक नहीं जाता और तेल हमारा ऊपर नहीं आ जाता जो हमने ऑयल इसमें डाला था। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखो अभी देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा होगा, ये खाने में भी उतना अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट किया करो। आप लोग भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अच्छे से ये भून गया है। मैंने एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया है, अब इसमें डाल देंगे, डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे अदरक के लच्छे भी डाल सकते हो, अगर अदरक आपको पसंद है तो अदरक के लच्छे भी इसमें डाल सकते हो। देखो कितना बढ़िया बनकर मेरा कीमा तैयार हुआ है। देखिए यह बिल्कुल तैयार है। देखो मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए किस तरीके से मेरा भुना कीमा बिल्कुल तैयार है। ये मैंने मटन का बनाया है, आप चाहें तो सेम प्रोसेस पे आप जो सेम तरीके से आप चिकन का भी बना सकते हैं और आप बीफ का भी बना सकते हैं। ये देखो मेरा जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। आप इसको ढक देते हैं और फिर आपको मिलते हैं खाते टाइम पर। अब मैं प्लेटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैं इसको ढक दूंगी और मैं गैस को बंद कर रही हूँ और 10 मिनट के बाद मैं इसको प्लेटिंग करूंगी। ये देखिए मेरे मटन भुना कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ये खाने में भी उतना ही बढ़िया होता है। इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।